डियर स्टूडेंट, आज मैं 10th क्लास के बायोलॉजी में 4th लेसन के शेष भाग को आपको बताने जा रहा हूं। आज का विषय है नेफ्रॉन की बनावट और क्रियाविधि। नेफ्रॉन अत्यंत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो मुख्य रूप से किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। प्रत्येक किडनी में इसकी संख्या 1,00,000 से अधिक होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म रचना है। इसका जो सबसे प्रमुख भाग है उसको वोमेन कैप्सूल कहते हैं। यह कप नुमा रचना है, यू शेप्ड या कप नुमा रचना है जिसे वोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलस गुच्छे में, दो गुच्छे में उपस्थित होता है। ग्लोमेरुलस का एक भाग इफरेंट आर्टरियोल से और दूसरा एफरेंट आर्टरियोल से जुड़ा होता है। एफरेंट आर्टरियोल से इसमें शुद्ध होने के लिए रक्त आता है और इफरेंट से इसमें शुद्ध होने के बाद यानी निस्यंदन के बाद, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद रक्त पुनः इफरेंट आर्टरियोल के द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। वोमेन कैप्सूल के पिछले भाग से कुंडलित नलिका निकलती है, कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स निकलते हैं जो आगे बढ़कर यू आकार की एक रचना बना। इसमें दो बाहु, दो लिंब होते हैं जो स्टार्टिंग है यानी वोमेन कैप्सूल की ओर है उसको असेंडिंग लिंब और जो दूसरी तरफ है उसको डिसेंडिंग लिंब कहा जाता है। इसमें रक्त सप्लाई के लिए अनेक पतली पतली नलिकाएं लगी हुई होती हैं। ग्लोमेरुलस में रक्त के छनने के बाद जो सुधियां बनती है कन्वोलेट ट्यूबुल के द्वारा लूप ऑफ हेनले में आती है। ये जो यू आकार की रचना है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं जिसकी एक भुजा असेंडिंग लिंब और दूसरी भुजा डिसेंडिंग लिंब कहलाती है। ये पूरी रचना लूप ऑफ हेनले कहलाती है। इसके डिसेंडिंग लिंब से पुनः कन्वोलेटेड ट्यूबुल निकलते हैं जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में जाकर मिल जाते हैं जहां अशुद्धियां जमा होती है द्रव के रूप में, मूत्र के रूप में और ये मेडुला की ओर भेज दी जाती है। पुनः इसको ध्यान से देखेंगे इसकी रचना को, क्योंकि अधिकांशतः है इसका विवरण कम, लेकिन इसके नामांकित चित्र को जरूर पूछते रहता है। इसीलिए इसके नामांकित चित्र को फिर से गौर से जरा इसके नामांकित चित्र को आप देखिए और इसका अभ्यास भी करेंगे आप। मैं फिर से बता दे रहा हूं इसको, नेफ्रॉन अत्यंत ही सूक्ष्म रचना है जो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है और एक किडनी में इसकी संख्या लगभग 1,10,000 या उससे भी अधिक होती है। इसके सबसे प्रारंभिक भाग में एक यू शेप्ड रचना पाई जाती, इस प्रकार की रचना पाई जाती है जिसको वोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसमें गुच्छे नुमा रचना को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। एक ग्लोमेरुलस के गुच्छे से एफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड को लाने का काम करता है और दूसरा छनने के बाद इससे बाहर ले जाने के लिए इफरेंट आर्टरियोल लगा हुआ। वोमेन कैप्सूल के पिछले भाग से कन्वोलेटेड या कुंडलित नलिकाएं निकलती है जो यू आकार की रचना बनाती है। इस यू आकार की रचना को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है या हेनलेज लूप कहा जाता है। इसकी पहली भुजा को लिंब को असेंडिंग लिंब और ये दूसरी भुजा को डिसेंडिंग लिंब कहा जाता है। डिसेंडिंग लिंब आगे जाकर एक नलिका में जुड़ जाती है जिस नलिका को कलेक्टिंग ट्यूबुल्स कहा जाता है। यहाँ मूत्र एकत्र होता है और मेडुला से होते हुए
फिर बाहर यूरेटर में भेज दिया जाता है, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। थोड़ा जटिल संरचना है, इसको गौर से बनाएंगे एक दो बार, सब ठीक हो जाएगा। आज इतना ही, थैंक यू। अब मिलते हैं फिर पांचवें लेसन में, तब तक आप इस अध्याय के प्रश्नोत्तर को देख करके किताब में उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी बनाएंगे। थैंक यू, बाय।